पटियाला नगर निगम की सियासी लड़ाई में कांग्रेस को हराने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरीश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरीश चौधरी द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए उन्हें नौकरी से निकाला हुआ विधायक करार दिया। हरीश चौधरी ने कैप्टन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ साठ गांठ कर ली थी। कैप्टन ने कहा, हालांकि उन्हें नहीं लगता कि एक नौकरी से बाहर किए गए विधायक जिसे बाड़मेर में कमलेश प्रजापत के कत्ल के केस में आरोपी के तौर पर नामजद किए जाने के कारण राजस्थान में मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और कत्ल के उस उक्त मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई को सौंप दिया को किसी तरह का स्पष्टीकरण दिया जाए। कैप्टन ने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री या भाजपा के साथ कोई साझेदारी करता हूं, तो मैं किसान आंदोलन की हिमायती न करता और न ही कृषि कानूनों को रद्द करने और उनके खिलाफ विधानसभा में कानून पास करने की मांग उठाता। उन्होंने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना पड़ता था और इसी तरह उनके मंत्री भी अपने केंद्रीय समकक्ष मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। कैप्टन ने हरीश चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां तक कि आपका नया मुख्यमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलता है। आपके मूर्खतापूर्ण तर्क के मुताबिक तो उन्हें भी भाजपा से समझौता कर लेना चाहिए और खुद को बर्खास्त किए जाने का इंतजार करना चाहिए। कैप्टन ने आगे कहा, ये पहली बार है कि किसी पार्टी इंचार्ज ने सूबे को अपना पक्का ठिकाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के 14 इंचार्जों प्रणब मुखर्जी, मोहसिना किदवई, जनार्दन द्विवेदी के साथ काम किया, जो पंजाब में बहुत ही कम दखल देते थे। पंजाब आना या यहीं पर सेटल होना तो बाद की बात है। कैप्टन ने याद दिलाया कि एक पार्टी इंचार्ज को सूबे में ही सेटल होने की जरूरत नहीं, उसका काम केवल आपसी तालमेल बनाए रखना होता है और पार्टी हाईकमान को जरूरी फीडबैक देना है। कैप्टन ने आगे कहा, लेकिन पंजाब में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे उसके गृह राज्य में एक कत्ल के केस में नामजद किए जाने के कारण सरकार से बर्खास्त किया गया। अब वह पंजाब में मुख्यमंत्री की शक्ति और विशेष अधिकारों का आनंद ले रहा है और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को एक रबर स्टाम्प समझकर हिदायतें जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी मंत्रिमंडल और अधिकारियों की अन्य बैठकों में शामिल होते रहे हैं और गैर कानूनी और असंवैधानिक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हरीश चौधरी द्वारा चंडीगढ़ में एक मंत्री का बंगला पूरे पंजाब भवन को अपने अधिकार में लेने पर भी सवाल उठाए, जहां बैठकर चौधरी मुख्यमंत्री सहित बाकी मंत्रियों और अधिकारियों को आदेश देते हैं। कैप्टन ने सवाल उठाया कि हरीश चौधरी के सभी खर्चों का भुगतान आखिरकार कौन कर रहा है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में कांग्रेस एक समस्या को निपटा नहीं पाती है कि उसके सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। वजह नवजोत सिंह सिद्धू है, जिन्हें किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने और कहने की पूरी आजादी है। सीएम चन्नी के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोलकर बैठे सिद्धू अब सुनील जाखड़ से उलझ गए हैं। सिद्धू ने जैसे ही सुनील जाखड़ के खिलाफ बयान दिया, जाखड़ ने पलटकर सिद्धू को अपने रडार पर ले लिया। सुनील जाखड़ के कामकाज पर सवाल उठाना सिद्धू को काफी महंगा पड़ गया। सुनील जाखड़ ने सिद्धू पर हमला करते हुए कहा कि बुरा ही मुझे बुरा कह रहा है। कांग्रेस जहां एक तरफ सुनील जाखड़ को मनाने की कोशिश कर रही है, सिद्धू की ताजा बयानबाजी से कांग्रेस की वो कोशिश पटरी से उतर सकती है। सिद्धू से नाराज जाखड़ ने ट्वीट कर कहा कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इससे पहले सुनील जाखड़ के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कोई और हो जो पहले कांग्रेस के प्रधान थे, वो बड़े जोर शोर के साथ ट्वीट डालते हैं। ट्वीट तो ट्वीट ही होते हैं, क्या उन्होंने कभी इस तरह का मुद्दा उठाया था? नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से पंजाब में नशे का मुद्दा, बेअदबी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उसी मुद्दे के संदर्भ में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को निशाने पर लिया। पिछले कुछ महीनों में सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। जुलाई में सुनील जाखड़ को हटाकर ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। सुनील जाखड़ का नाम सीएम के दावेदारों में भी शामिल था, लेकिन सिद्धू ने उनका विरोध किया था। पंजाब में कांग्रेस के लिए अब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ चिंता का विषय बन गए हैं। पार्टी जाखड़ को मनाने में जुटी है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। दरअसल हिंदुओं को दूर होता देख कांग्रेस अब हिंदू नेताओं पर कार्ड खेलने की तैयारी में है। इसी कारण जाखड़ को मनाने के साथ
कांग्रेस विधानसभा के स्पीकर राणा केपी को प्रचार कमेटी और अंबिका सोनी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का इंचार्ज बनाने की तैयारी में है। सुनील जाखड़ पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे। जाखड़ को मनाने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी उनके आवास पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक हुई बातचीत के बावजूद वह जाखड़ को मनाने में नाकामयाब रहे। सुनील जाखड़ पार्टी को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जाखड़ ने उप मुख्यमंत्री बनने की पेशकश भी की। उप मुख्यमंत्री बनने की पेशकश को भी अस्वीकार कर दिया था। ये पेशकश खुद राहुल गांधी ने जाखड़ को की थी। जाखड़ तब ही से पार्टी की किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस की परेशानी ये भी है कि पंजाब में हिंदू वर्ग उनसे दूर हो गया है। ऐसे में हिंदू वर्ग को जोड़ने के लिए उनके पास सबसे बड़ा कार्ड सुनील जाखड़ ही थे। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस जाखड़ को ये भी पेशकश दे चुकी है कि वह AICC में आए और पंजाब में सक्रिय हों, लेकिन पूर्व प्रदेश प्रधान ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जाखड़ पिछले दिनों विदेश गए हुए थे। उनके आने के बाद बुधवार को हरीश चौधरी उनसे मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए। जानकारी के अनुसार हरीश चौधरी तकरीबन 1.5 घंटे से अधिक समय तक जाखड़ के साथ बैठक करते रहे। सूत्र बताते हैं कि जाखड़ ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि वह पार्टी में ही हैं और रहेंगे, लेकिन चन्नी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। MSP पर कानून की मांग करके लगता है कि टिकैत एंड कंपनी के नेता बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार MSP पर किसी किस्म का कोई कानून नहीं बनाने जा रही है। इस बात के साफ संकेत हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने दे दिए। PM मोदी से मुलाकात के बाद CM खट्टर ने साफ तौर पर कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की गारंटी देने वाला कानून बनना संभव नहीं है, क्योंकि अगर कानून बना तो किसानों का उत्पाद अगर कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो फिर उसे खरीदने का दबाव सरकार पर बनेगा और किसानों के सारे उत्पाद सरकार खरीदे ये संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि आंदोलनकारी किसान इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों से साठ गांठ कर चुके इन नेताओं पर आंदोलन को विधानसभा के चुनावों तक चलाए रखने का दबाव है। किसी किसी संगठन पर कांग्रेस का दबाव है तो किसी पर कोई दूसरी पार्टी का तीसरी पार्टी के इशारे पर काम हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य शेतकारी संगठन के बड़े नेता अनिल घनवट ने भी कहा था कि MSP पर सरकार कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। लेकिन MSP पर कानून की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब इस मामले पर रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है। इरादा अराजकता फैलाकर सरकार पर दबाव बनाना है, जिसका सियासी लाभ विपक्षी पार्टियों को मिले और उनकी नेतागिरी भी चलती रहे। यही वजह है कि अनिल घनवट को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सरकार का एजेंट करार दिया। किसानों की ओर से MSP कानून की मांग को लेकर जब खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कृषि अर्थशास्त्रियों के भी अलग अलग विचार हैं। इस पर कानून बनाना संभव नहीं लगता है। MSP पर कानून संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार पर ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि यदि कोई उनके उत्पाद को नहीं खरीदता है तो सरकार को ऐसा करना पड़ेगा। खट्टर ने आगे कहा कि सरकार को इतनी आवश्यकता नहीं है और इस पर सिस्टम बनाना संभव भी नहीं है। हम आवश्यकता के मुताबिक ही खरीद कर सकते हैं। खट्टर PM नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मिलने पहुंचे थे। बैठक के बाद खट्टर ने ट्वीट करके बताया कि हरियाणा में विकास योजनाओं के अलावा कई मुद्दों पर उनकी बात हुई है। हरियाणा के CM ने ट्वीट किया कि दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान उनके हरियाणा में वर्तमान और आगामी विकास कार्यों को लेकर उनसे कई महत्वपूर्ण चर्चाओं पर विस्तार से बातचीत हुई। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। आर्यन खान ड्रग मामले में नवाब मलिक पूरी तरह से सक्रिय रहे और समीर वानखेड़े से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सबके खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते रहे, लेकिन अब नवाब मलिक ने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे मुझे अनिल देशमुख की तरह फंसाना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरह उन्हें भी फंसाने की साजिश शुरू हो गई है। कुछ लोग कई दिनों से मेरा विरोध कर रहे हैं और मैं जल्द इसकी शिकायत मुंबई पुलिस कमिश्नर और देश के गृह मंत्री अमित शाह से करूंगा। मलिक ने कहा कि कुछ लोग मेरे घर और परिवार की डिटेल्स निकाल रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर दो लोगों की तस्वीर डाली है। जब मैं दुबई में था तो दो लोगों ने मेरे घर और स्कूल पर रेकी की और पिछले हफ्ते मेरे पोते के स्कूल के पास से फोटो निकालते हुए कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ा था। जो दो लोग थे उनमें से एक 2 महीने से मेरे खिलाफ ट्विटर हैंडल पर लिख रहा था। अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो मुझे जानकारी दे।
जो लोग इस तस्वीर में हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि तुम्हें मेरी कोई जानकारी चाहिए तो आकर मुझसे मिले, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। मरिक ने आगे कहा कि मेरे पास केंद्रीय एजेंसीज के अधिकारियों के खिलाफ कई बड़े सबूत हैं और मैं उन्हें जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपूंगा। मेरे खिलाफ ड्राफ्ट बनवाकर और शिकायतकर्ता तैयार कर शिकायत कराई जा रही है। केंद्रीय एजेंसीज का प्रयोग कर सरकार को बदनाम करने और लोगों को फंसाने का काम चल रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। इससे पहले सोशल मीडिया पर नवाब मलिक ने कहा था कि अगर कोई इन लोगों को पहचानता है तो मुझे इनकी जानकारी दें। फेसबुक पोस्ट के साथ उन्होंने कई फोटोज भी लगाए जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इस फोटो में उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगाया गया है। महाराष्ट्र में 5 साल तक महाविकास अघाड़ी सरकार चलने को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का गठबंधन 25 साल तक चलेगा। बीजेपी पर आरोप लगाया कि आईटी सेल वालों ने शरद पवार की मार्क वाली फोटो जारी की। उन्होंने कहा कि इस फोटो में अमित शाह को शान से बैठे हुए दिखाया गया, जबकि शरद पवार की जो मुद्रा वो अपमानजनक तरीके से एडिट की गई है। इससे पहले लगातार नवाब मलिक एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कृषि कानूनों के खात्मे का ऐलान करते वक्त पीएम मोदी ने एमएसपी को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक ऐसी समिति बनाने की घोषणा भी की थी जिसमें देश भर के किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन तब आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और खास तौर से राकेश टिकैत ने कह दिया था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की भीड़ जुटने लगी और तैयारी ट्रैक्टर मार्च की होने लगी। लेकिन जैसे ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बात के संकेत दिए कि एमएसपी पर कानून बनना संभव नहीं है, उसके बाद आंदोलनकारियों ने अपने पैर पीछे खींचना शुरू कर दिया। रही सही कसर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयानों ने पूरी कर दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि सरकार एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए समिति बनाएगी और उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने पराली जलाने को अपराध माने जाने से मुक्त कर दिया, मतलब कि अब किसान पराली जलाएंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म कर वापस जाने को कहा। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक की और संसद मार्च की घोषणा को वापस लिया। मतलब साफ है कि किसान नेता अब आंदोलन को खत्म करने के मूड में हैं। इसी वजह से अब तक आगे आगे तीखे बयान देने वाले राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए। उनकी जगह दर्शन पाल और दूसरे किसान नेता सामने आए। किसान नेता राजीव ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार के ताजा बयानों का संज्ञान लिया गया, इसी के बाद फैसला हुआ कि 4 दिसंबर को फिर बैठक की जाएगी। केंद्र की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि भारत सरकार ने किसानों की मांगे मान ली हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति बना दी गई है, ऐसे में उन्हें अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता ने कहा कि सरकार हमसे आमने सामने बैठकर बात करे। केंद्र ने किसानों पर दर्ज मुकदमों को राज्य का विषय बताया था। इस पर किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी शासित राज्यों और रेलवे को निर्देश दें कि मुकदमे वापस लें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि कानून रद्द होने के लिए रखे जाएंगे। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, एमएसपी को प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। तोमर ने कहा कि किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने ये मांग मान ली है। उन्होंने कहा, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूँ कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूँ कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर अपने अपने घरों को लौटें। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी चाहे जितनी सनक और अकड़ दिखा लें, लेकिन उन्हें अब भी सबसे ज्यादा पीएम मोदी और बीजेपी का डर सताता है। यही वजह है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के मंत्री, लोकसभा सांसद और कई विधायकों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बड़ी जंग होने वाली है, जहां 19 दिसंबर को 144 सीटों पर मतदान होने वाला है। इस मुकाबले को लेकर तृणमूल कांग्रेस कितनी गंभीर है, इसका पता इस बात से लगता है
है कि उसने कुल उम्मीदवारों में से 45% महिलाओं को उतारा है। इसके अलावा 23 अल्पसंख्यक उम्मीदवार भी उतारे हैं। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम समेत 6 विधायकों और एक सांसद को भी चुनावी समर में भेज दिया है। फिरहाद हाकिम को ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। फिरहाद हाकिम को ममता बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम का प्रशासक भी बना रखा था। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर नगर निकायों पर टीएमसी का कब्जा है और सबसे अहम कोलकाता नगर निगम पर वह इस पकड़ को बनाए रखना चाहती है। बंगाल विधानसभा चुनाव की 294 सीटों के चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी और अब यह दूसरा मुकाबला है जब वह भाजपा के खिलाफ उतरने जा रही है। ममता बनर्जी के आवास पर हुई 3 घंटे की मीटिंग के दौरान लिस्ट को लेकर यह फैसला लिया गया। इस बैठक में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। इसके अलावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। फिलहाल कोलकाता नगर निगम की 144 में से 126 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। वह एक बार फिर अपनी इस ताकत को दोहराना चाहती है। यही वजह है कि ममता ने विधानसभा चुनाव के बाद से बनी अपनी लहर को बरकरार रखने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि पिछली बार हमारे कुल 126 पार्षद चुने गए थे, इनमें से 87 को दोबारा टिकट दिया गया है। इसके अलावा 6 लोगों की सीट बदली गई है। इसके अलावा 39 लोगों को टिकट नहीं मिला है, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। टीएमसी ने जिन्हें चुनावी टिकट दिया है उनमें से 55% यानी 80 कैंडिडेट पुरुष हैं। इसके अलावा 45% महिलाएं हैं, 19 उम्मीदवार दलित और 23 अल्पसंख्यक हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को हमने टिकट में प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। टीएमसी के उम्मीदवारों में एक बड़ा नाम लोकसभा सांसद माला रॉय का भी है। वह पहले भी कालीघाट इलाके की पार्षद रही हैं, जहां सीएम ममता बनर्जी का आवास है। हालांकि राज्यसभा सांसद शांतनु सेन दोबारा मुकाबले में नहीं उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने अब ये साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी न तो संसद और न ही संसद के बाहर किसी तरह का समन्वय करेगी। अब तक ममता बनर्जी के हमलों को कांग्रेस ये सोचकर झेलती रही कि विपक्षी एकता की मुहिम में टीएमसी उसका साथ देगी। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में टीएमसी ने शामिल होने से मना कर दिया। टीएमसी ने साफ कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में उसे कांग्रेस के साथ समन्वय करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह जनता के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के साथ सहयोग करेगी। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी संभवतः कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 29 नवंबर को बुलाई गई विपक्षी बैठक में भी शामिल नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस के इस बयान से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा था कि शीतकालीन सत्र में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के साथ समन्वय करेगी। दोनों पार्टियों के तनावपूर्ण संबंधों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को सलाह दी है कि उसे उचित आंतरिक समन्वय स्थापित करना चाहिए और पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। पार्टी की जानकारी रखने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता ने बताया कि शीतकालीन सत्र में हमें कांग्रेस के साथ समन्वय में कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस नेता पहले अपने बीच समन्वय स्थापित करें, पहले अपने घर को ठीक करें, फिर दूसरों के साथ समन्वय के बारे में सोचें। ये पूछने पर क्या तृणमूल कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ सहयोग करेगी, उन्होंने कहा कि जनहित में हम विभिन्न मुद्दे उठाएंगे और उनके साथ समन्वय करेंगे। हम संभवतः कांग्रेस द्वारा आहूत विपक्षी दलों की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे, मतलब कि संसद में टीएमसी अपने मुद्दे उठाएगी, दूसरे विपक्षी पार्टियों से सहयोग चाहेगी। संसद में यही भूमिका कांग्रेस निभाना चाहती है, लेकिन अब टीएमसी भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखती है। जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस से विमुख होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि उनके नेताओं में भाजपा के खिलाफ लड़ाई को लेकर दृढ़ संकल्प की कमी है। 29 नवंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर पार्टी की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक होगी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने और फिर दूसरा झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा करने के बाद अब खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने संसद भवन पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। खुफिया एजेंसीज ने हाल ही में अलर्ट जारी कर कहा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ संसद भवन का घेराव कर उस पर खालिस्तानी झंडा फहरा सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी किया है,
वीडियो में लंबे समय से कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों से अपील की गई कि वो 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद का घेराव करें और झंडा फहराएं। पन्नू ने वीडियो में ये भी कहा कि संसद भवन पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को $125,000 का इनाम दिया जाएगा। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसीज को अलर्ट पर रहने को कहा है, साथ ही संसद भवन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। हालांकि किसानों ने 29 नवंबर को संसद मार्च रद्द कर दिया और इसी प्रतिबंधित खालिस्तानी ग्रुप ने साल की शुरुआत में प्रदर्शनकारी किसानों को भड़काने के मंसूबे के तहत एक ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि जो कोई भी गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $250,000 इनाम में दिए जाएंगे। SFJ के घोषित आतंकवादी गुरुभत्वंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो में जहर उगलते हुए इस इनाम का ऐलान किया था। SFJ समेत दूसरे खालिस्तानी आतंकी संगठन और उससे जुड़े NGOs की फंडिंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के रडार पर है। इन्हीं संगठनों पर नकेल कसने के लिए NIA की टीम हाल ही में कनाडा पहुंची थी। ये टीम IG स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में कनाडा गई थी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।